नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए लेकर आए हैं। उपराष्ट्रपति पद को लेकर बीजेपी ने किया है अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान। जी हां दोस्तों, अंतिम मोहर लगना बाकी है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तो हां कर दे और इस कांग्रेस नेता को बीजेपी बना सकती है एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। जी हाँ दोस्तों, इस समय की एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। उपराष्ट्रपति पद के लिए जो नाम दोस्तों चर्चा में है, उनमें गुलाम नबी आज़ाद का नाम सबसे ऊपर है। सत्तारूढ़ सरकार के गलियारों से सामने आया है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी में इस समय गुलाम नबी आज़ाद के नाम पर चर्चा चल रही है। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा फिर से नामांकन के लिए विचार करने से इनकार किए जाने के बाद साउथ ब्लॉक के गलियारों में कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद के नाम की चर्चा है। वहीं दोस्तों, राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी, आरिफ मोहम्मद खान, मुख्तार अब्बास नकवी, तेलंगाना से सी विद्यासागर राव और अन्य नामों की चर्चा भी है। लेकिन कहा जाता है कि आज़ाद सरप्राइज चयन हो सकते हैं और हो भी क्यों ना, गुलाम नबी आज़ाद मौजूदा राजनीतिक माहौल में कसौटी पर खरे उतरते हैं। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने भी आज़ाद की प्रशंसा की थी और यहां तक कि 2003 में उनके जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहते हुए अपने व्यक्तिगत संबंधों का खुलासा भी किया था। वहीं दोस्तों, मोदी सरकार ने मार्च 2022 में गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण से सम्मानित भी किया था। वहीं दोस्तों, अब यहां पर उपराष्ट्रपति बनाने की तैयारी है गुलाम नबी आज़ाद को और कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों, ये ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी